हरियाणा में सिरसा सीट पर गोपाल कांडा को बीजेपी का समर्थन। बीजेपी उम्मीदवार ने वापस लिया पर्चा। पर्चा वापस लेने के आखिरी दिन सिरसा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा, पूर्व सांसद अशोक तंवर और दूसरे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचे और पर्चा वापस ले लिया। पर्चा वापस लेने के बाद जांगड़ा ने कहा, ये संगठन का आदेश है। ये संगठन का आदेश था, संगठन ने टिकट दी थी, आज उन्होंने ये कह दिया। उसके बाद अब हम जा रहे हैं। रोहताश जांगड़ा के नामांकन वापस लेने के बाद अब सिरसा सीट पर गोपाल कांडा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। INLD और BSP गठबंधन ने पहले ही गोपाल कांडा को समर्थन दे दिया था। दूसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनवाने में गोपाल कांडा की अहम भूमिका थी। अब ये फैसला हुआ कि भाई वो आज विड्रॉल की लास्ट डेट है, विड्रॉल कर रहे हैं। गोपाल कांडा का समर्थन कर बीजेपी ने चुनाव बाद की सियासत का बड़ा संदेश दे दिया है। अब चुनाव बाद कांडा के जरिए बीजेपी की नजर निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों पर रहेगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा 8 अक्टूबर के बाद आलाकमान तय करेगा सीएम। टिकट बंटवारे में हुड्डा गुट के दबदबे के बीच हरियाणा कांग्रेस में सीएम की रेस थम नहीं रही है। बेशक अभी प्रचार की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज कह रहे हैं कि सीएम का फैसला आलाकमान करेगा और कोई भी सीएम हो सकता है। फैसले के मुख्यमंत्री कौन बनता है कौन, ये मुख्यमंत्री हमेशा हाईकमांड से ही तय होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल सीएम पद को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हुड्डा ने केजरीवाल को ढोंगी बताया और कहा कि चुनाव बाद कांग्रेस में सीएम पद का फैसला होगा। कांग्रेस की जो निर्धारित तिथि है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बनेगा, जो विधायक चुने हुए होंगे। इस तनातनी के बीच कांग्रेस हरियाणा के लिए जल्द अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में 6000 प्रतिमाह बुजुर्ग पेंशन, 3000 रुपए प्रतिमाह महिला भत्ता, 500 रुपए में LPG सिलेंडर, 2 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती, MSP की कानूनी गारंटी, जाति जनगणना, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने जैसे वादे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी सीएम पद पर दावेदारी जता रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।